हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ कैसे दोस्तों अब अपने मोटोरोला कीपैड वाले मोबाइल में अलार्म लगाओगे। दोस्तों, अपने फ़ोन में आप अलार्म लगाना चाहते हो, अलार्म सेटिंग को यूज़ करना चाहते हो, कैसे कर सकते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आपको अपने मोटोरोला कीपैड वाले मोबाइल में क्या करना है अलार्म को लगाने के लिए, अपने फ़ोन को अनलॉक करेंगे। सबसे पहले फ़ोन को अनलॉक करने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन के मेन्यू बटन पर क्लिक करना है। मेन्यू बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने गैलरी सेटिंग वगैरह को यूज़ कर सकते हो। आपको फिर दोस्तों अलार्म का आइकन दिखता है, ऊपर अलार्म आपको लिखाएगा, ओके कर देना। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अलार्म को एडिट करना पड़ेगा पहले हमारे को, ठीक है। अलार्म के टाइम को यहाँ पर आप सेट करोगे। दोस्तों अभी हमारे फ़ोन में क्या टाइम हो रहा है हम उसके कोडिंग ही करेंगे। अभी हमारे फ़ोन में दोस्तों यहाँ पर देखते हो 15:06, मतलब यहाँ पर अभी 3:06 हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपने अलार्म में ऐड करेंगे टाइम को दोस्तों यहाँ पर 3:07 या फिर 8, ठीक है। तो एडिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे 03 और यहाँ पर करेंगे 08, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो इसको यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए, और यहाँ पर अलार्म इसमें सेटिंग को सेट करोगे अलार्म रिपीट। दोस्तों अगर आप इस पे ऑप्शन पे क्लिक करते हो दोस्तों इधर तो एवरी डे, और अगर आप कस्टम पे क्लिक करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। एवरी डे अगर यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर लेना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखते हो अलार्म रिंगटोन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अलार्म रिंगटोन को यहाँ पर आप सेलेक्ट करना, ठीक है, ओके कर देना, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अलार्म टाइप, अलार्म वाइब्रेट सेटिंग को अगर ऑन करना चाहते हो दोस्तों यहाँ पर देखते हो ओनली रिंग वाइब्रेट, तो यहाँ पर ऑन कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ आपने सेटअप कर लिया, अलार्म टाइम वगैरह, ठीक है। स्टेटस को दोस्तों शायद हमारे को ऑन करना पड़ेगा, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे दोस्तों देखते हो हमारे फ़ोन में एक अलार्म यहाँ पे सेव हो चुका है। दोस्तों अब कुछ ही सेकंड में हमारे फ़ोन में अलार्म बज जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो अलार्म का आइकन भी स्क्रीन पर आ चुका है, और शायद दोस्तों अलार्म नहीं बजेगा इस टाइम की वजह से, क्योंकि हमने टाइम फॉर्मेट को चेंज करने का है। बाकी दोस्तों पर हम वेट करते हैं, शायद ये अलार्म बज जाए। अगर नहीं बजेगा तो हम पहले टाइम फॉर्मेट को ठीक करेंगे, ठीक है। दोस्तों बस कुछ ही सेकंड रह गए यहाँ पर अलार्म को बचने में हमारे फ़ोन में। और दोस्तों पहले मैं फ़ोन को अनलॉक करके रखता हूँ। तो दोस्तों बस आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर 8 होता है हमारे फ़ोन में अलार्म बज जाएगा, जो अलार्म वाला आइकन आ रहा है आपके फ़ोन में मोटोरोला कीपैड वाले मोबाइल में, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर तो 8 हो गया लेकिन अलार्म नहीं बजा, तो मतलब दोस्तों यहाँ पर हम गलत यूज़ कर रहे हैं इसको। तो पहले दोस्तों हम पहले फ़ोन की सेटिंग में आएंगे इसके लिए, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ देते हो फ़ोन की सेटिंग में आके, डेट एंड टाइम वाले सेटिंग में आके, और यहाँ पर दोस्तों हम टाइम फॉर्मेट को यहाँ पे करेंगे 12 आवर के लिए, ठीक है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद दोस्तों पहले अपने फ़ोन में टाइम को ठीक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं टाइम को पहले मैं सही टाइम में यहाँ पर लेके आऊँगा, इसके दोस्तों 12 बज रहे हैं अभी, तो मैं इसको 12 बजे पर सेट करूँगा, ठीक है। डेट दोस्तों यहाँ पर गलत है, मैं इसको बंद करूँगा और अब मैं इसको सेव कर दूँगा। दोस्तों सेव करने के बाद आप देख सकते हो डेट एंड टाइम आपके फ़ोन में सेव। अब दोस्तों वापस से आप आओ अलार्म की सेटिंग में। अलार्म की सेटिंग में आने के बाद दोस्तों जो आपने अलार्म ऐड करा दोस्तों ये AM के टाइम में है, तो ये AM में बज रहा है, ठीक है। अब दोस्तों अलार्म का टाइम जो यहाँ पे ये AM है, टाइम फॉर्मेट दोस्तों इसको करेंगे हम यहाँ पे पहले PM। अब टाइम दोस्तों यहाँ पर हम सेट करेंगे, यहाँ पे पहले करेंगे 1 और यहाँ 12 के बाद दोस्तों यहाँ पर हम कर देंगे 12:00 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप सेव करो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आपके फ़ोन में एक अलार्म अब ऐड हो चुका है। 1 होते ही आपके फ़ोन में अलार्म बज जाएगा और आप यूज़ कर सकते हो फिर। दोस्तों इस तरह से अपनी अलार्म प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा वेट और करेंगे दोस्तों, हमारे फ़ोन में अलार्म बज जाएगा, ठीक है। स्टॉप करेंगे तो दोस्तों इस तरह से आपके फ़ोन में अलार्म आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जान से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।